हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो। तो आज बैंक निफ्टी ने लोअर लेवल से अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग दिखाया और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है लगभग 33,286 पे, लगभग 300 पॉइंट गेन के साथ 1% ऊपर बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो लोअर लेवल से अभी जो है तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है बैंक निफ्टी को, मगर ये देखना होगा कि आगे जो है तो ये सपोर्ट कंटिन्यू रहता है या फिर ये शॉर्ट कवरिंग जो आ रही है ये कंटिन्यू होती है कि नहीं। तो चलो देखते हैं चार्ट पे कैसा दिख रहा है अभी बैंक निफ्टी। तो शुरू करते हैं वीकली चार्ट से। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हो कि हम 3.5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं लगभग 1200 पॉइंट लॉस के साथ, और नीचे के लेवल से हम अच्छा खासा रिकवर कर चुके हैं। तो ये पहला साइन है कि हम जो है तो शायद आने वाले दिनों में ऊपर के लेवल देख सकते हैं। और यह बैंक निफ्टी जो है तो जो उसका 100 वीक का एवरेज है उसके अराउंड जो है तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि हमने बराबर से यस 3 के अराउंड जो है तो बॉटम बनाया है, तो ये एक सिग्निफिकेंट है। यहाँ जो है तो यहाँ से अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो बैंक निफ्टी को लेकर जा सकती है लगभग 34,900 से लेकर 35,000 के तरफ, तो 35,000 तक हम जो है तो बाउंस बैक देख सकते हैं। तो करंट लेवल से लगभग 1700-1800 पॉइंट का स्टॉप शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। मगर यहाँ आपको एक ध्यान रखना है कि आपको एंटर करना है मार्केट में, अगर लॉन्ग एंटर करना है तो आपको लॉन्ग एंट्री बनानी है 32,500 के अराउंड ही, तो उसके अराउंड 500-600 के अराउंड आपको लॉन्ग एंट्री करनी है। और इसमें जो है तो ये इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, और मैंने पहले भी कहा है मेरे पहले वीडियो में, बाकी के भी वीडियो आप चेक कर सकते हो। अगर विक्स हाई रहता है तो दोनों तरफ के मुंह आते हैं और उसकी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो आपको डिसाइड करना होता है कि इंट्राडे में किस तरफ मोमेंटम है मार्केट का, और उस तरह से आपको जो है तो ड्यूरिंग मार्केट आवर जो है तो आपके डिसीजन आपको चेंज करने होते हैं। अगर ट्रेंड नीचे भी है मार्केट का, मगर मार्केट अगर रिकवरी के साइन दिखा रहा है तो आपको तुरंत ही लॉन्ग साइड पे बैठना होता है मार्केट में। तो यहाँ अगर आपको कल के लिए लॉन्ग बनाना है तो आपको 32,500 के अराउंड जो है तो लॉन्ग जाना है, आपका 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो पोजिशनल टारगेट बनेगा आपका वो बनेगा लगभग 35,000 का, यस 35,000 का टारगेट बनेगा। तो वहाँ से जो है इस लेवल से आपको लगभग 2 से 2,500 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है अगर रिकवरी आई तो, मगर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, और वो भी स्टॉप लॉस जो है तो उसके ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से वोलेटाइल रहेगा मार्केट दोनों तरह के मूव जो है तो आपको देखने को मिलेंगे, और मार्केट जो है तो मार्केट इंस्टेंटली डेवलपमेंट दिखाता है न्यूज़ फ्लो पे, तो उस तरह से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। ये वोलेटाइल एनवायरनमेंट है, इसमें दोनों तरफ की जो ट्रेड है मैंने पहले भी कहा है कि वहाँ जो है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेना पड़ता है। मगर यहाँ मोस्ट प्रोबेबली जो है तो बैंक निफ्टी शायद कल फिर से जो है तो नीचे सपोर्ट लेके ऊपर के लेवल दिखा सकता है, और यहाँ हमारा जो टारगेट रहेगा अगर आपको लॉन्ग एंट्री करनी है तो 32,500 के अराउंड करेंगे, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और जो टारगेट बनेंगे हमारे वो पिछला वीक का जो लो था तो 34,150, ये पहला टारगेट बनेगा, और उसके बाद में जो है तो 35,000 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा हमारा, और जो लगभग प्रीवियस मंथ का लो भी है। तो ये दो टारगेट आप पकड़ कर चल सकते हो, यहाँ तक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग रहेगी, ये बाइंग नहीं रहेगी। जो भी शॉर्ट बनाए ऊपर बड़े ट्रेडर्स ने उनको शॉर्ट करने के लिए आएंगे वो, और उसकी वजह से जो है तो मार्केट में बाउंस बैक आएगा। ये कितना सस्टेन होगा वो तो आगे की जो एनवायरनमेंट रहेगा या फिर न्यूज़ फ्लो रहेगा वो दिखाएगा, मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट करेक्ट हो रहा है हम जो नए नए लो जो है तो हर महीने हर हफ्ते बनाते जाएंगे। तो इस रिकवरी को सिर्फ आपको शॉर्ट कवरिंग एज अ शॉर्ट कवरिंग देखना है, ना कि रिवर्सल। और ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये शार्प हो सकती है, तो यहाँ आपको ऑप्शन में भी अच्छे खासे प्रीमियम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग जो है तो शार्प रहेगी। तो यहाँ आपको 32,500 पे लॉन्ग करना है, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 32,000 के नीचे, पहला टारगेट रहेगा 34,150, और इसके ऊपर जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 35,000 का। तो इन दो टारगेट के लिए आप लॉन्ग पकड़ के चलिए, और ये हाई रिस्क ट्रेड है। अभी मैंने जो निफ्टी का ट्रेड दिया और ये भी ट्रेड हाई रिस्क है, इसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावना लगभग 50% है। तो यहाँ जो रिस्क ले सकते हैं और जो बड़े ट्रेडर है वही ट्रेड कीजिए,
बाकी रिटेलर को मैंने जैसे कहा अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए, या फिर जो है तो जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है जो मिल रहे अभी जैसे IGL है तो उसमें आप एक्युमुलेशन करना शुरू कर दीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको अच्छे खासे गेन देखने को मिल जाएंगे उनमें। तो आपको जो है तो फिलहाल ट्रेडिंग से बचना है और शायद आपको ध्यान देना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मौके आपको मार्केट में मिलेंगे विद अ लॉन्गर टर्म होराइजन। तो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये कल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ ट्रेड करना है तो मेरा जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है उसका पूरा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।